नमाज पढ़कर लौट रहे युवक को दोस्तों द्वारा गाली देने का विरोध करना पड़ा भारी। लोहे के पंच से आंख में मारी गहरी चोट। बता दें मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन इलाके के जमालपुर निवासी इमरान नाम का युवक मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, जिसे रास्ते में उसने अपने दोस्त मिल गए जो कि गाली देकर बात कर रहे थे। इमरान ने रमजान पाक के महीने की बात कहते हुए दोस्तों से गाली न देने की गुजारिश की, जिस पर साथी दोस्त इमरान से झगड़ा कर बैठे। इमरान के मुताबिक तीन चार दोस्त एक राय होकर उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक युवक ने इमरान की आंख पर लोहे के पंच से वार कर दिया, जिसके चलते उसकी आंख पर गंभीर चोटें आई है। घटना की सूचना इमरान ने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने इमरान के साथ ले जाकर संबंधित थाना पुलिस से युवकों की शिकायत की है। पुलिस ने घायल इमरान को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल भेज दिया है, तो वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप देख रहे हैं अपने शहर की क्राइम रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुम्हारा इमरान क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या बात क्या थी? बात कुछ नहीं थी, लड़के निकल के आया के लिए अपने हाथ में। साथ के लड़के हैं वो? कभी कभार उठने जाने वाले लड़के हैं, कभी कभार उठता बैठता हूँ। अच्छा, पहले कोई बात हुई थी क्या उनसे? पहले कोई बात नहीं, पहले एक बार और मारा था उसने मुझे। अच्छा, किसी बात को ले विवाद तो नहीं चल रहा पुराना? गाली वाली लग रहा था वो, थी वो गाली बक रहा था, वही गाली बक रहा था, फिर मैंने दीदी में पकड़ के मारा फिर उसने। कितने लड़के थे? वो अकेला था कोई? क्या चीज मारी है तुम्हारे यहाँ पे? मुक्के थे, मुक्के, लोहे के मुक्के। तो कोई पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने कोई पकड़ा? कहाँ रहते हो? मैं स्कूल चौराहे पर। जमालपुर।